दमोनाका क्षेत्र स्थित मेट्रो हॉस्पिटल के सामने देर रात फायरिंग से दहशत फैल गई। पुरानी रंजिश के चलते गोपी नामदेव नामक बदमाश ने अपने चार दोस्तों के साथ मिलकर वारिस मिश्रा और उसके दोस्त सत्येंद्र साहू पर फायरिंग कर दी। गनीमत यह रही कि गोली वारिस के पैर में लगी। घटना के तत्काल बाद वारिस के साथी उसे लेकर अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन मेट्रो अस्पताल ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया, जिसके बाद घायल को रसल चौक स्थित निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही गोलपुर थाना पुलिस और एडिशनल SP रोहित काशवानी और CSP अखिलेश गौर भी मौके पर पहुंच गए थे। मेट्रो हॉस्पिटल के सामने क्या हो गया? मैं आके वहाँ रुका ही हूँ। हॉस्पिटल के सामने दो गाड़ी में लड़के आए, एक में तीन थे, एक में एक सिंगल था। तीन वाले पहले आ गए, एक सिंगल वाला पीछे से आया और आते ही से उन लोग ने गोली चलानी चालू कर दी और गालियाँ देने लगे। सिंगल गाड़ी में था, वो कहने लगा इसको जान से ख़त्म कर दो। कोई पुराने विवाद आप? इन लोग मुझे इसके पहले भी एक बार फर्जी मामले में फंसाने के लिए कर रहे थे कि इन लोग के ऊपर मामला मेरे ऊपर लग जाए। उसके बाद इन लोग ने मुझे मार दिया। कौन कौन थे? गोपी नामदेव से मेरा विवाद हुआ था, मनी सहरवार, इन लोग सब मिलके मनी सहरवार, गोपी नामदेव, हनी यादव और नितिन पटेल, इन लोग चार लोग मिलके आए थे। हत्या करने की नीयत से बोले थे इसकी हत्या कर दो। जैसे पेट में गोली मारी तो मैंने हाथ से हाथ अड़ा दिया और बाकी चार गोली मेरे पैर में लगी। आपके जो साथ थे वो भी?